नमस्कार, नीता की रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आलू और सूजी की लाजवाब पूरी, जो बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आती है और जिन्हें बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम आधा कप सूजी को एक कप गर्म पानी में भिगोकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ढककर 10 मिनट के लिए रख देंगे। अब 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी सूजी अच्छे से फूल गई है। अब इसमें हम एक मीडियम साइज का बॉयल किया हुआ आलू मैश करके डाल देंगे और 2 बारीक कटी हरी मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर मिक्स कर लेंगे। अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है, अब हम इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा आटा डालते रहेंगे और इस तरीके से गूंथते रहेंगे। हमें इसको अच्छे से गूंथना है। हमने इसमें 1.5 कप आटा डाला है, इसे हम इस तरीके से मसल मसल कर अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर फिर से गूंथ लेंगे। अब हमने आटे को अच्छे से गूंथ लिया है, अब हम आटे को 5 मिनट के लिए ढककर रख देंगे। अब आटे को रखे 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा आटा अच्छे से सेट हो गया है। अब हम आटे को फिर से अच्छे से गूंथ लेंगे। अब हम हथेली पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से लोई बना लेंगे। अब हम चकले पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर लोई को हाथों से हल्का सा प्रेस कर देंगे और बेलन पर भी थोड़ा सा ऑयल लगाकर इस तरीके से अच्छे से बेल लेंगे। इसी तरीके से हम सारी पूरियां बेलकर तैयार कर लेंगे। अब हम पूरी तलना शुरू करते हैं। इसको गरम तेल में डालकर हाई फ्लेम पर पलट पलट कर अच्छे से तल लेंगे। अब हमारी पूरी अच्छे से तल चुकी है, अब हम इसको निकाल लेंगे। अब हमारी सूजी और आलू की लाजवाब पूरी बनकर तैयार है। ये बहुत ही टेस्टी और लाजवाब बनी है। आप इसे एक बार मेरे तरीके से जरूर बनाइएगा, यकीनन आपको बहुत पसंद आएगी। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।